गिरा दी इन्होंने पूरी लस्सी लस्सी हो गई है भाई। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे सब लोग? सब बढ़िया ना? आपने लास्ट वीडियो तो देख ली होगी, तो आपको पता है कि आरएस जो थी वो खराब हो गई गाइस। अभी ना वो ठीक तो हो रही है, पूरी ठीक हो गई है, ठीक है। अभी तक मैंने चलाई नहीं है बिकॉज मैं गया नहीं उस साइड। अगर मैं जाऊंगा तो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा भाई कैसे क्या क्या काम हुआ उसमें, अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। आज मैं पुरानी वाली बाइक को निकालने वाला हूँ। लास्ट टाइम भाई पता है आपको आरएस ने भाई बर्न आउट मारा, ठीक है, बंद कर बंद कर। उसके बाद उसका टायर काफी ज्यादा घिस चुका है, तो देखते हैं आज चलाते हैं उसको। आपने वीडियो में देखे होंगे ये डंबल मैंने ऑर्डर किए थे, तो गाइज ये काफी ज्यादा सस्ते हैं पर यार काम के अच्छे हैं। ये देखो एक एक जो है ना वो 3-3 kg का, ये देखो 3 kg और इस तरफ भी ये 3 kg, तो 6 kg का एक है। तो मैंने दो लिए हैं, तो भाई काफी ज्यादा अच्छे हैं भाई ये, और काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल रही है बिकॉज आपको पता है कि मैं वीडियो वीडियो बनाता हूँ तो टाइम नहीं लगता, तो घर में एक्सरसाइज हो जाती है। और सही है, अभी एक वीक और 5 दिन कुछ ऐसे हुए हैं मुझे एक्सरसाइज करते हुए, तो काफ़ी ज़्यादा काम में आ रहे हैं भाई ये। मैं अभी कपड़े कपड़े चेंज नहीं करने वाला हूँ, मैं यही घर वाले जो घर में कपड़े डालता हूँ वही डालने वाला हूँ, ठीक है। कपड़े चेंज करके क्या करेंगे, यहीं आगे तक ही जाने वाला हूँ मैं, ठीक है। सो लेट्स गो, जल्दी से निकलते। तो गाइज अभी ना अभी मैंने हेलमेट डाल दिया, ठीक है। तो गाइज अभी ना आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, बाइक वॉश करने के बाद इसकी तो हालत ही भाई ख़राब है। ये दिख रही हो, सीट की हालत देखो, टैंक की हालत देखो, स्क्रीन की हालत देखो, और यहाँ पे देखो ये पूरी ना पूरी बारिश के कारण हुई है। ये देखो, इसमें बाहर खड़ी थी बाइक, ये इस साइड खड़ी थी, ये इस साइड खड़ी थी, तो पूरी भीग गई। तो देखो टायर वाइज ख़त्म ही होने वाला है, चलो कोई नहीं चेंज करवा लेंगे इसको, अभी तो बहुत चलेगा यार, पर चेंज करवाएंगे हम, ठीक है। चलो गाइस जल्दी से निकलते हैं ग्रुप को लेकर, ठीक है। साउंड सुनाता हूँ सबसे पहले, तो चलो गाइस चलते हैं। बस गाइस आज इसमें एक ही दिक्कत है, ठीक है, वो क्या है, इंजन लाइट क्यों आ रही है, चली गई। अच्छा स्टैंड की थी, वार्निंग थी कि इसमें पेट्रोल काफ़ी ज़्यादा कम है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 सेल बता रहा है ना, पर इसमें इतना नहीं होता, ये ना अगर 0 भी हो तब भी 3 सेल बताती, आपको पता है इसमें प्रॉब्लम है। पर चलो आज ना आज इसको थोड़ा सा भगाएंगे, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, थोड़ी सी अजीब सी लग रही है भाई के। इसकी ब्रेकिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है, आपको पता है भाई इसकी ब्रेक ब्रूक चली गई थी, तो दोनों टायर मैंने ब्रेक सूट डाले हैं भाई, पर काफ़ी टाइम बाद मैं ट्राई कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा पावर छोड़ दे रही है। इसमें भी लॉन्च कंट्रोल आ गया क्या भाई, इसकी ब्रेकिंग क्या मस्त हो गई, अब इंजन ब्रेकिंग देखना। तो गई यहाँ से उस साइड चलते हैं, चली जाएगी क्या बाइक, चली जाएगी। अब यहाँ पे डर भी लगता है यार, नीचे भी चली जाती है यहाँ पे, मैं एक बार बताऊंगा आपको, आराम आराम से चलूंगा मैं। ओ भाई नीचे की तरफ भाई हो रही है, स्किट हो रही है कसम से। मैं बाइक थोड़ा क्रॉस कर लेता हूँ ना सबसे पहले, फिर आपको बताऊँगा यहाँ पे क्या हुआ था। वो चीज़ ना वो कभी नहीं भूलती मुझे, देख रहे हो एंड पॉइंट इसका, भाई मस्त लोकेशन है वैसे। यहाँ पे सामने है गाइस डेड एंड, इससे आगे नहीं जा सकती। तो गाइज आपको ना आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, गाइज अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है। हमारे साथ ना यहाँ पे क्या हुआ था, एक बार ना यहाँ से ना ये पीछे यहाँ पे जगह है ना, यहाँ से हमारी स्कूटी ना नीचे चल गई थी, किसी को पता नहीं है, एक दो लोगों को पता होगा बिकॉज हमने रात को स्कूटी निकाल ली थी। पहले मैं आपको बता देता, हमने स्कूटी कहाँ से निकाली थी, ये देख रही है जगह, यहाँ से ऐसे जो रोड जा रहा है छोटा पतला पतला ही दिख रहा है, रोड तो है ही नहीं पर ऐसे थोड़ा छोटा छोटा सा रास्ता दिख रहा है, ये हमने खुद बनाया था स्कूटी को निकालने के लिए। यहाँ से हमने स्कूटी बाहर निकाली थी, यहाँ से ऊपर निकाली, यहाँ से फिर रोड पे ले गए, और मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस अभी मैं आपको वो जगह दिखाने वाला हूँ जहाँ से ना भाई स्कूटी के साथ नीचे गिरा था, ये है वो जगह, यहाँ से देख रहे हो। तो यहाँ पे ना यहाँ पे इसलिए मैं संभल के आ रहा था बिकॉज यहाँ पे स्किट हो जाती है, तो 9 बजे का टाइम था रात को, तो यहाँ से आया, यहाँ से भाई आया, यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से टायर स्किट हुआ और स्कूटी यहाँ से नीचे होते हुए वो जगह देख रही है, वो वाली वहाँ पे जाके रुकी थी स्कूटी ना। भाई ने हमें कॉल की और घर से हम लेके आए एक कुदाली जो मिट्टी हटाने के लिए होती है, ठीक है, मिट्टी खोदने के लिए होती है, एक वो लेके आए और एक रस्सी लेकर आए, उससे हमने स्कूटी को बाहर निकाला था। जब स्कूटी नीचे की चली गई थी ना, तो हमने एक ट्रैक्टर वाले को भी पूछा था कि भाई स्कूटी निकालनी है थोड़ी सी हेल्प कर दो, तो उन्होंने बोला कि हम काम पे जा रहे हैं, हम वापस आके देखेंगे। फिर हमने बोला भाई कोई नहीं हेल्प करने वाला, तो फिर हमने खुद ही, मैं पापा और मेरा भाई, हमने खुद रात को यहाँ पे 1 घंटे में स्कूटी बाहर निकाल दी थी। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ से मैंने स्कूटी उठाई और यहाँ से छोटा छोटा सा रास्ता, अभी ना आपको दिखेगा नहीं बिकॉज अभी झाड़ियाँ बहुत सारी हो गई हैं, यहाँ से नीचे नीचे करके हमने खोद खोद के एक रास्ता बनाया पूरी, तो यहाँ से हमने खोदते 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 वहां तक, वहां से हमने स्कूटी बाहर निकाली है। गाइस कोई ना कोई हेल्प करने नहीं आता, ठीक है, खुद अपनी हेल्प खुद करनी पड़ती है। ये बात मैं कभी नहीं भूलने वाला बिकॉज अभी भी मुझे पता है, अभी भी ना स्कूटी का एक अगला मडगार्ड होगा ना, अभी भी नीचे नाले में होगा,
होगा, बिकॉज अगला मडगार्ड टूट गया था, फिर हमने नया डलवाया था, और जो टूट गया था ना मडगार्ड, वो हमने अभी भी नाले में फेंका होगा। यहाँ पे कितनी भी मुसीबत हो हेल्प करने नहीं आते हैं। तो उस दिन मैंने देख लिया, और तब से भाई मुझे पता है मैं क्या कर सकता हूँ। इसलिए खुद पे यकीन रखो, खुद पे भरोसा रखो, सब कुछ हो जाता है। यहाँ पे देखो क्या लग रही है भाई, किसकी ना इसकी, मैं काफी टाइम से ये लाइट ना ब्लैक करने की सोच रहा था, अभी ब्लैक कर दी है ना, काफी ज्यादा मस्त लगती है। यहाँ पे ना टायर स्किट हो सकता है नीचे की तरफ, आराम से अगर बाइक नीचे गई ना तो ये खुद नहीं निकलने वाली, ये फिर गाड़ी गुड़ी या कुछ बुलाना पड़ेगा, जिससे रस्से से बांध के खींचे। फिर देखने में आसान लगते हैं ना गाइस रास्ते, वो आसान नहीं होते, बहुत ज्यादा मुश्किल होते हैं। गाइस पेट्रोल खत्म हो चुका है, मैं बोल ही रहा था सुबह कि सुबह घर से निकल रहा हूँ ना, पेट्रोल बहुत ज्यादा कम है और खत्म कहीं भी हो सकता है, पर एकदम से हो गया। अभी बस मैं एक राउंड आगे तक मारने वाला था, उसके बाद मुझे लग रहा था कि भाई पेट्रोल चल सकता है भाई, पर यहीं भी खत्म हो गया। थोड़ी देर बाद बंद हो रही है, ये देखो बंद करो। तो गई ज्यादा फोर्स नहीं करेंगे, बिकॉज फ्यूल पंप जो होता है वो खराब हो सकता है, तो ज्यादा भी ऑन नहीं करेंगे, आ जाएगा। ज्यादा दूर नहीं है घर, बस यहीं पे है, वो कहीं दूर नहीं गया हूँ मैं भाई। मुझे लग रहा है नगरोटा जाने वाला, तो उसके पास मैं ये वाली बाइक दे दूंगा, ताकि फुल करवा के लाए, फुल हो जाएगी ना तो बड़ी हो जाएगा। वो यार पेट्रोल ले गया है दुकान के पास, पेट्रोल खत्म हो गया है दुकान, ये पार दुकान अपनी जो है रोड के पास ही। तो गई देखो मैं कैसे बैठा हुआ, और आ गया अपना मसीहा आ गया गई, ये देखो तो ले। इतनी ऊपर कौन चढ़ानी थी, कितना लाया है? ओ भाई साहब डिग्गी में, देख डिग्गी में इसमें पड़ी होती है। बाहर जा रहा है पेट्रोल मिल गया स्कूटी पे, तो यार नीचे गिरा दिया है, वैसे भी तेल कम है, और इसी तेल से मैंने नगरोटा पहुंचानी है भाई। बीच में रुकी ना तो मैं तेरे को ही फोन करूंगा, धक्के मार। तो गाइस ये मैं खोल रहा हूँ, ठीक है चलो गाइस निकलते हैं यहाँ से, चलते हैं घर। तो गाइस इसने जाना ना, तो इसको बोलूँगा कि भाई पेट्रोल डाल दे। तो गाइस अभी थोड़ा भाई बोल रहा कि मैंने लेट जाना थोड़ा, तो देखते हैं थोड़ा लेट जाएगा ना ये, तो उसके बाद तो मैं बाइक में अंदर ही लगा दूँगा, एक काम करूँगा ठीक है। मैंने घर के अंदर लगाई है, देखो घर के अंदर लगाई है मैंने, तो इसमें आपको पता है एग्जॉस्ट लगाया हुआ है मैंने, तो आपको ना यहाँ पे इसकी साउंड सुनाता हूँ, इसकी साउंड कैसी आ रही है। ये देखो गाइस ये पूरा गिरा दिया इन्होंने, पूरी लस्सी लस्सी हो गई है भाई। क्या गिरा दी सारी, मैंने दुड़ गई है गाइस, पूरी गिरा दी है। ये देखो तूने गिराई है? मैंने थोड़ी गिराई। अच्छा तो गाइस ये देखो पूरा ना पूरा यहाँ पे छाई गिरा दी, मम्मी ने पूरा धो दिया है यहाँ तक, ये पूरा का पूरा ना गंदा कर दिया है, और छाई भी गई, खत्म हो गई। यानी आज ये देखो ये भी लगी है, सिर पे भी लगी है। अब तू मांगेगा ना तो मैंने अब कहाँ से दूंगी लस्सी तेरे को, तो छाए तो गई गई नहीं मिलेगी, नहीं क्या मिलेगी, लाओ दुकान से ले आएंगे, दुकान से ले आऊंगा मैं, तो सारी खत्म हो गई गाइस, दुकान से ले आएंगे ठीक है। मैं इस वीडियो का एंड करता हूँ ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो गाइस अच्छी लगी लाइक कर देना ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय गाइस।